हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन पाठशाला में। मैं हूं रवि बुटोला और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्मार्ट बार्ट पायलट परियोजना किस सीमा से शुरू की जाएगी? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है पाकिस्तान सीमा। पाकिस्तान सीमा से ये परियोजना प्रारंभ की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सीमा पर आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करना। दूसरा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण की जांच के लिए किस राज्य सरकार ने स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने वायु प्रदूषण की जांच या वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य में स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की है। तीसरा क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मकाम संगीत उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय मकाम संगीत उत्सव। उज्बेकिस्तान स्थित है अफगानिस्तान के पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश मैत्री उत्पाद पाइपलाइन परियोजना कहाँ से शुरू की जाएगी? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी स्थित है पश्चिमी बंगाल में। यहाँ से ये परियोजना पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी बांग्लादेश तक। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर। तो भारत बांग्लादेश को प्रदान करेगा डीजल इस पाइपलाइन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ कौशल विकास को लेकर एक समझौता किया है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है जर्मनी। जर्मनी के साथ भारत ने समझौता किया है कौशल विकास योजना से संबंध में। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक किस राज्य को कार्यबल विकास योजना के तहत 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण ऋण प्रदान करेगा? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को विश्व बैंक प्रदान करेगा 74 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण ऋण। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर ग्रेड फार्मूला रेस किसने जीती? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन ने। ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है तजेंद्र मुखर्जी बने हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष। ये अध्यक्ष के साथ साथ इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसे कौशल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को किया गया है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। इनके साथ एक अन्य भी हैं जिनका नाम है वरुण धवन और इनकी एक मूवी आने वाली है नई सुई धागा। अगला क्वेश्चन है, शाहपुर कंदी बांध परियोजना के लिए पंजाब और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और पंजाब के मध्य ये समझौता हुआ है और ये बांध बनेगा पंजाब के पठानकोट में। पठानकोट वही स्थान है जहाँ पर 1.5 साल पहले एक आतंकी हमला हुआ था। ये पंजाब में स्थित और यहाँ पर जो ये बांध बनेगा शाहदपुर कंदी, ये रावी नदी पर बनने वाला है। रावी नदी है सिंधु की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है, माई इम्प्रेशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है कमलेंदुमती शाह। कमलेंदुमती शाह द्वारा लिखी गई है माई इम्प्रेशन ऑफ इंडिया पुस्तक। कमलेंदुमती शाह है टिहरी की राजमाता नरेंद्र शाह की पत्नी और उन्हें 1958 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के द्वारा 1962 में टिहरी में नरेंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, जिया रानी किस कत्यूरी सम्राट की रानी थी? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है प्रीतम देव। प्रीतम देव कत्यूरी सम्राट थे जिन्हें कि पिथौरा साई भी कहा जाता था। उनकी छोटी रानी थी जिया रानी। जिया रानी को कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मी बाई। अगला क्वेश्चन है, रानी कर्णावती के पुत्र का क्या नाम था? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है पृथ्वीपति शाह। ये रानी कर्णावती के पुत्र थे। रानी कर्णावती को अब सभी लोग जानते हैं, नकटी रानी कहा जाता है। ये पत्नी थी महिपति शाह की। अगला क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ की बाढ़ डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा बनाई गई थी? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है नारायण सिंह थापा। नारायण सिंह थापा ने बनाई थी डिब्रूगढ़ की बाढ़ पर एक डॉक्यूमेंट्री। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल द्वारा किया गया था पूर्वाग्रह पत्र का संपादन।
ये रहने वाले हैं टिहरी जनपद के और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पहाड़ पर लालटेन। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के खत्यूड़ी गांव से प्रारंभ हुई थी कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत और इसका अंत हुआ था 14-15 फरवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर, जहाँ पर बेकार रजिस्टरों को बहा दिया गया था और इस प्रथा का अंत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है विजय जरदारी को कहा जाता है बीज बचाओ आंदोलन का प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल जागृत संस्था का गठन कब किया गया? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है 1939 में किया गया था पौड़ी में गढ़वाल जागृत संस्था का गठन। अगला क्वेश्चन है, बाबा मोहन उत्तराखंडी किस स्थान पर शहीद हुए? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है बेनीताल। बेनीताल में शहीद हुए थे बाबा मोहन उत्तराखंडी। इनका संबंध था, ये चाहते थे, इन्होंने आंदोलन किया था गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने के लिए, लेकिन 2004 में ये बेनीताल में शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है महावीर त्यागी। महावीर त्यागी को कहा जाता है देहरादून का सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है पंजाबी। पंजाबी एक समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा। ये पंजाब के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, मद्रास की संधि कब हुई थी? चार ऑप्शन है आपके पास और सही उत्तर है 1769। 1769 में हुई थी मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, जिसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हुई थी, इसलिए उन्होंने हैदर अली के साथ संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, आम में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है जिंक। जिंक की कमी से होता है आम में लिटिल लीफ रोग। अगला क्वेश्चन है, रेड डॉट किस फसल का प्रमुख रोग है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है गन्ना। गन्ने का प्रमुख रोग है रेड डॉट। इसमें पत्तियां पे पीले और लाल कलर के डॉट पड़ जाते हैं, जिससे फसल पूरी रूप से विकसित नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक नमक का उत्पादन किस राज्य से होता है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है भारत में, लगभग 50%। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल किन दो देशों के मध्य स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है इंग्लिश चैनल, आर्कटिक महासागर में। और चैनल कहते हैं एक छोटा सा संकरा समुद्री मार्ग, चैनल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है 1971। फरवरी 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। भारत के पूर्वी क्षेत्र के भाग को लेकर वहां पर एक राष्ट्र बनाया गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी भारत से सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है अकबर। अकबर ने किए थे शिक्षा संबंधी सुधार। इसने बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना की थी और अकबर के समय की मनसबदारी प्रथा बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख स्थित है गुजरात में और स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य के एक शासक थे। इन्हें कुर्मादित्य भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी नाइटहुड की उपाधि, जो कि अंग्रेजों द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अब है अभ्यास हेतु प्रश्न, और पिछले जो अभ्यास हेतु प्रश्न आपको दिए गए थे उनके उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और ये जो अभ्यास हेतु प्रश्न है इनके उत्तर आप देंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, मृत्यु का रेगिस्तान दशते मार्गो किस देश में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी?
तीसरा क्वेश्चन है, भारत भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चौथा क्वेश्चन है, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पांचवा व अंतिम क्वेश्चन है, सफ़ेद संगमरमर की प्रसिद्ध खान मोतीपुरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, आप इन पांचों क्वेश्चनों का उत्तर देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।